हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज में हिमालयस, स्पेशली ट्रांस हिमालयस देखने जा रहे हैं। हिमालयस हमारे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस करके हों, चाहे वो इंडिया चाइना रिलेशंस करके हों, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा असम अकॉर्ड है उस करके हों। तो हम हिमालयस को अच्छे से डिवाइड करेंगे चार पार्ट्स में। हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन डेप्थ में इंपॉर्टेंट है और इनकी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कल कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ट्रांस हिमालयस देखेंगे। सबसे पहले हम अपने मैप को रेफर करते हैं, अपनी एटलस में मार्क कर लीजिए। जो ट्रांस हिमालयस की नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो 3 हैं, KLZ, कराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज। KLZ इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांस हिमालयस में नॉर्थ से साउथ। तो कराकोरम रेंज में सबसे पहले जो हमारा कश्मीर का मैप है, अगर हम कश्मीर के मैप को रफली देखें तो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है, पामिर नॉट हमारा यहाँ पे आता है। यहाँ से कश्मीर के बाहर से हिंदकुश निकल जाता है और कुनलुन रेंज यहाँ पे जाती है। एंड यहाँ पे जो हमारा कराकोरम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारी कराकोरम रेंज है, जो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ये हमारे कश्मीर को यहाँ से पास करता है। ये जो रीजन है ये हमारा तिब्बत है और ये कुनलुन रेंज है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि पामिर नॉट कहाँ पे है। इट इज़ टुवर्ड्स दी नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हमारे कराकोरम पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमारा कराकोरम में टॉलेस्ट पीक्स जो हैं, टॉप 3 जो हैं, पहली K2 जिसको हम माउंट गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं, दूसरी गैशर ब्रह्म एंड तीसरी जो है ब्रॉड पीक है। इसके कुछ ग्लेशियर्स ध्यान रख लीजिए, सियाचिन, हिस्पा, ब्याफो एंड बोल्टोरो। कल को अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सियाचिन ग्लेशियर कौन सी रेंज में प्रेजेंट है, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, लेट्स से कराकोरम, जस्कर, लद्दाख रेंज। तो द राइट आंसर इज कराकोरम रेंजेस में हमारा सियाचिन ग्लेशियर प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जो हमारे कराकोरम से निकलते हैं, वो है कुंजेरब, कराकोरम पास, मुस्ताग, हिस्पर और बिलाफोंडला पास, ठीक है। ये 4 पासेस इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखें। एंड एक चीज़ और, हमारे जो ट्रांस हिमालयस में लद्दाख रेंज है, जो हमारे KL के नीचे L जो है लद्दाख रेंज, उसमें जो है हमारा लद्दाख प्लेटू, वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। ये एक फैक्ट है जिसको याद रखें कि इंडिया का हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है, दैट इज़ लद्दाख प्लेटू। ये कोल्ड डेजर्ट है और इंटर माउंटेन डेजर्ट है। इंटर माउंटेन डेजर्ट मतलब एटलीस्ट 3 तरफ से हमारे पहाड़ हैं इसके आसपास। और जो हमारी रिवर जो है इंडस रिवर, इट सेपरेट्स लद्दाख फ्रॉम जस्कर रेंज, जो नीचे आती है यहाँ पे KLZ के नीचे जस्कर रेंज। जो पासेस हैं हमारे लद्दाख रेंज में, दीगार, चौरभाट और चंगला, ठीक है। जस्कर रेंज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, नंगा पर्वत। कल को हमारे प्री में क्वेश्चन आता है कि नंगा पर्वत कौन से हमारे रेंजेस में प्रेजेंट है, तो द आंसर इज जस्कर रेंज, ठीक है। एंड इट लाइज साउथ टू द लद्दाख रेंज, यह भी हमने मैप में देखा। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी सतलुज रेंज है वो हमारे जस्कर रेंज को शिपकीला पास पे हिमाचल प्रदेश में कट करती है, ठीक है। तो शिपकीला पास कहाँ पे है हमारा, जस्कर रेंज में है, जिसको सतलुज रिवर जो है वो कट करती है जस्कर रेंजेस में। जो हमारी टॉलेस्ट पीक है जस्कर रेंज की, वो है माउंट कामत, ठीक है। कश्मीर जो हमारी वैली है, नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीर वैली जो है वो हमारी लाई करती है जस्कर रेंजेस में, और उसके जस्कर रेंज उसके नॉर्थ में है और पीर पंजाल जो है हमारे साउथ में है, जो लेसर हिमालयस का पार्ट है, ठीक है। तो ये था हमारे ट्रांस हिमालयस के बारे में। नेक्स्ट हम ग्रेटर हिमालयस देखेंगे। थैंक यू।